धरती के लोग कितने अच्छे हैं, इतना प्यार। हम दोनों ग्रह आपस में रिश्ता क्यों नहीं बना लेते? ये चल बे थर्मस जैसा मुंह लेके आ गया, रिश्ता बना लेते। तुम लोगों के साथ रिश्ता कैसे बना ले? हम लोग इनके साथ रिश्ता बना लिया। पहले घर में बड़े बड़े होटल वाली बीवी घूम रही है, इनके साथ रिश्ता बना लिया। बड़े बड़े कानों वाली बेटियां घूमती फिर इधर। मैं हूं आपकी होस्ट परिणीति चोपड़ा। वेलकम टू कॉमेडी नाइट। यू नो आज मेरी मैगजीन में जो सेलिब्रिटी इंटरव्यू देने आ रहे हैं वो एक बहुत ही मशहूर कलाकार है। आप रोज उनकी बातें सुनते हैं। सिद्धू पाजी वो इतना कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, कभी बहुत बहुत ज्यादा कुछ कह देते हैं, तो मैं क्या कहूं, उनको सीधा बुलाते हैं। जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए कपिल शर्मा। कहना बहुत अनिवार्य हो गया है कि हर पर्वत पे मणि मानिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पे मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, और हर देश में कपिल शर्मा जैसे कॉमेडियन नहीं होते। क्या बात है, शुक्रिया भाई। मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी मैगजीन में इतने बड़े सेलिब्रिटी आ जाए हैं। कपिल जी प्लीज कुछ कहिए कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने शो में आ गया हूँ। उससे मुझे याद आया कि यू नो यहाँ पे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब आते हैं तो वो हमेशा एक ही मकसद से आते हैं कि अपनी फिल्म प्रमोट करने। तो आप बताइए आप क्या प्रमोट करने आए? मेरी तो फिलहाल अभी कोई फिल्म नहीं आ रही है, लेकिन मेरी एक बड़ी खास फ्रेंड है तो वो जरूर आ रही है यहाँ पे। कौन 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 है? एक इतनी खूबसूरत है, थोड़ी पागल। याद आया कि आपको तो पता ही है कपिल शर्मा जी हम सबको हंसाते हैं, रोज हम लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं, लेकिन आज मेरे पास एक चैलेंज है। क्या? मैं चाहती हूं कि आज कोई हमारे यहां पे जितने भी दोस्त हैं उनमें से कोई कपिल को हंसाए, और अगर कपिल हंसा तो ये बातें बनी हुई बाजी, हंसी तो फंसी। इतने हफ्तों से हम लोग हंसा रहे, आज तक तो कोई फंसी नहीं। तो मुझे तो चलो देख लेते हैं आज तो कौन है हमारे दोस्त जो कपिल को हंसाएंगे। पहले हु इज कमिंग फर्स्ट? जी मैम। ओ तोता परी। हाय कपिल। हेलो जी। हाय परी। हाय। मेरा नाम सुनीता है। जी सुनीता। मैं कपिल को गाने से इम्प्रेस करूंगी। जी एक्शन। तुमने इसीलिए भेजा था मुझे बॉम्बे? मैं लोगों को उन्हीं से चुराऊं और दिल में छुपाऊं? आप छुपाने ही लग गए हैं कपिल भाई, क्योंकि आप बहुत कॉमेडी करते हैं, इतने फेमस हो गए, बहुत अच्छे लगते हैं सबको। थैंक यू। मैं शर्मा आ गया। तो कौन है हमारे दोस्त जो हंसाने वाले हैं कपिल को? हुआ है थातिया ख्वाके नी। हुआ है थातिया ख्वाके नी। हुआ है
हुआ है सेम टू यू थातिया खा के नी थातिया कातिया ये लोहे का हाथ है ये क्या चुटकुला हुआ जी अरे जिसको समझना था हंसना था और फंसना था वो समझ गई लेकिन मेरे को एक बात बताइए ये आपने कौन सी भाषा में चुटकुला सुना भाई साहब मैंडरिन ओह वाओ यस अच्छा सेम लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी मैं उनको ट्रांसलेट करूंगा मैंने काफी पढ़ाई लिखाई की है सारी लैंग्वेज के ऊपर अच्छा अच्छा मैं लाइन सेम बोलूंगी डिफरेंट इमोशंस में बोलती हूं आप मुझे बताओ इमोशन में मैं क्या कहना चाहूंगी मैं पूरा एक ए टू जेड समझाऊंगा आप बोलिए तो सही आप हुआ है था दिए हुआ खे नहीं दिल करता है सिद्धार्थ को मुक्का मारो तुम्हारी इमोशंस नहीं मेरे इमोशंस हां आप ही की बता रहा हूं आप ही के इमोशंस आप ही की तरफ से कंट्रोल आगे आगे ओके सेकंड इमोशन हुआ है थाती है ख्वाखे नहीं आए हाय सिद्धार्थ तो मुझे छोड़ने आया लाइक तो मैं कपिल को करती हूँ हुआ है थाती है ख्वाखे नहीं कहती इसको शक मत होने दे हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं चुपचाप निकाल लेते हैं शर्मा चोपड़ा मल्होत्रा मुझे लगता है शो कालका जी में हो रहा है सारे नॉर्थ इंडियन है कि यहाँ पे अच्छा परी आप पहले भी शो में आ चुकी हैं जी सो अभी जो दोबारा आई हैं आप तो डू यू हैव समथिंग लाइक क्रश जैसे कि पहली बार बोला था आई लव यू कपिल तो मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ एक सेकंड भाई साहब इतना अच्छा लग रहा है भाई बहन का प्यार देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है भाई बहन का सिद्धार्थ आपकी जो डेब्यू फिल्म थी आपने मतलब जो स्कूल में आपने पढ़ाई की उस फिल्म में ये कौन सा स्कूल है आपका जहाँ पे घुटनों से 10 इंच ऊपर स्कर्ट पहन के लड़के कौन सा स्कूल है ये इसके फॉर्म कहाँ से मिलते हैं ये सर एक ये करण जोहर ने स्कूल बनाया है सर हमारे स्कूल में क्लासेस नहीं होती है लड़के सिर्फ कैंटीन में गाना गाते हैं या तो बाहर अपनी फरारी चलाते हैं हमें तो हमने तो कभी ऐसे स्कूल देखे नहीं पाजी स्कूल में फरारी लेके घूम रहे तुम कॉलेज में आ गए तब भी स्कूटर नहीं था हमारे पास मैं आपको बड़ी ओरिजिनल बात बताता हूँ मैं कॉलेज दो टाइम जाता था एक सुबह जाता था शाम को जाता था प्ले की रिहर्सल करने में थिएटर करता था तो मेरी सिस्टर के पास लेडी साइकिल था तो मैं लेडी साइकिल लेके ना तो स्कूल गया तो मैं कॉलेज के बाहर लस्सी की दुकान थी तो मैं वहां पे पी रहा हूँ तो सामने से एक लड़की आई उसकी माँ साथ में वो लड़की मेरी क्लासमेट थी उसने मेरे को उस लस्सी पीते हुए देख लिया तो मेरे में भी एटीट्यूड की उसको पता चलेगा लस्सी पी रहा अमीर आदमी 12 रुपए का गिलास था लस्सी का तो मैं लस्सी पी रहा अब लस्सी पी रहा हूँ तो सड़क टाइट है साइकिल मेरा लगा हुआ है पीछे से रेड़े वाला आ गया बुजुर्ग ये किसका साइकिल है अब वो लड़की ने मेरे को देख लिया मैं बताऊं ना कि मेरा है I don't know, किसका उसने लात मारी मेरा साइकिल मेरे आंखों के सामने गिराया पाजी मैं आपको बता नहीं सकता मेरे को मतलब ये सच्ची बात है बिखर गया साइकिल इकट्ठा कर और बाद में उठाते हुए देख लिया लड़की ने प्रॉब्लम ये हो गई और टांगे वाला तो लात मार गिरा गया मैं कहा बदतमीज लोग ऐसे थोड़ी किसी का साइकिल गिराना चाहिए खैर अभी ढेर सारी बातें करेंगे हम लोग सिद्धार्थ और परिणीति से ये मेरे पार्लर का चाबी है मेरा मरद आएगा तो दे देने का मेरे मरद का औरत आएगा तो नहीं देने का मरद का औरत मतलब मरद का औरत तुम ही हुई ना अरे बाबा एक औरत और है उसका भी आना जाना ऐसे रहता है अच्छा वो जान दे वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े डाला है धोने के लिए एक घंटे बाद जाने का वो निकाल के सब बराबर सुखा के धूप में आने का हमें पड़ोस में रहती है नेबर वर्किंग लेडी कॉर्पोरेट करना मांगता है ना मेरी बात सुनो कॉर्पोरेट लेडी मैं अभी तेरे जंपर सुखाऊं कि मेरे घर में जो गेस्ट आए उनको अटेंड करूं मैं गेस्ट आता है गेस्ट किधर है गेस्ट तेरा ये देख अंधी हो गई गेस्ट हेलो अच्छा मैं मेरे को पहचाना मैं परिणीति श्रीवास्तव मेरा इधर ना बाजू में ही ब्यूटी पार्लर है right. कभी भी तुमको अगर ऐसा सुंदर दिखने का है ना तो मेरे पार्लर में आने का हाँ. मैं ऐसा सुंदर करके देगी वैसे मतलब एक हिसाब से तुम सुंदर है लेकिन समझो और सुंदर बनने का है तो मैं पूरा इसे बराबर ग्लो करके देगी ये ना ग्लो के लिए एकदम फेमस है मैं जिधर से भी निकलती लोग बोलते देखो ग्लो वाली औरत जाती है ग्लो लेके आएंगी मैं ग्लो ऐसे लाती है तो ये जो पहले स्टीम इंजन चलते थे उन पे भी ग्लो आप ही लेके आती थी सीरियस हूँ मैं अभी आप लेट नहीं हो रही जाइए ना अभी आप सीरियस तो चलेगा लोग मेरे को पसंद नहीं है अच्छा मैं क्या बोलती है ऐसे देखो अगर एक गेस्ट को मिलेगी और एक गेस्ट को नहीं मिलेगी तो ये मैनर बेड होता है
तो क्या इनको क्या लगेगा कि मेरी बॉडी में घमंड भरेला है? इसके लिए मतलब तुम मेरे को पहचाना? नहीं, मैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव। अच्छा, ये अब मेरे